प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अपने 5 दिन के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं और इससे ठीक पहले एक अमेरिकी कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ समन जारी किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक मोदी के खिलाफ ये समन गुजरात दंगों को लेकर जारी किया गया है। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर समन जारी किया है। ये समन अमेरिकी जस्टिस सेंटर नाम के एक मानवाधिकार संगठन की याचिका पर जारी किया गया है। अपनी याचिका में मानवाधिकार संगठन ने नरेंद्र मोदी को नरसंहार का दोषी बताया है। मोदी पर आरोप लगाया गया है कि उनकी निगरानी में लोगों को मारा गया, महिलाओं को बेघर किया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। संगठन का कहना है कि गुजरात दंगों में पीड़ितों के अधिकारों का हनन हुआ है और ऐसे में नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन ने दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की है। कोर्ट ने मोदी से 21 दिन में जवाब देने को कहा है।